भारतीय जनता पार्टी के सामने 2014 का प्रदर्शन दोहराने और अपने लोकसभा क्षेत्रों को बचाने की बहुत गंभीर चुनौती है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीजेपी के लिए अपने गढ़ को बचाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। कई सीटों पर उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिनमें भाजपा का गढ़ कही जाने वाली सीटें भी शामिल है। यही कारण है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश के तूफानी दौरे का प्लान बनाया है। 6 मई को प्रदेश के 7 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान के लिए अमित शाह के अलावा बीजेपी के कई दूसरे स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। इसी कड़ी में गुरुवार को अमित शाह राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के ब्यावरा में, मंदसौर लोकसभा के मनासा में और देवास लोकसभा के आष्टा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह दिल्ली से प्लेन से भोपाल एयरपोर्ट आकर वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए ब्यावरा जाएंगे, जहाँ बीजेपी उम्मीदवार रोडमल नागर के लिए आमसभा करेंगे। इसके बाद नीमच जिले के मनासा में सुधीर गुप्ता के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीहोर जाएंगे, जहां दशहरा मैदान में बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह सोलंकी के लिए आम सभा को संबोधित करेंगे।